इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहरी जिरवाल से बात की हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ नरहरी जिरवाल साहब है जो डिप्टी स्पीकर है, उनसे बात करते हैं। सर, अभी जो स्थिति महाराष्ट्र में है उसमें क्या आपको दिखाई दे रहा, क्या एकनाथ शिंदे की गट से तरफ से आपसे कोई संपर्क किया गया है? संपर्क नहीं, उन्होंने लेटर दिया है जैसा सीएम साहब ने लेटर दिया था गट नेता बदलाव करने के लिए, वैसा उन्होंने मैं गट नेता हूँ, मेरे पास इतना लोग है, ये इसका लेटर दिया है। कितने लोगों का लेटर है सर, उसमें सिग्नेचर कितने लोगों? 34। तो क्या सारे के 34 में तीन अपक्ष है, बाकी है पक्ष के 32, मतलब उनके पास फिगर है। हाँ, उसके आप लोगों से कोई संपर्क उनका हुआ, उसके बाद कोई फोन किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये तीर धनुष निशान जो है, चुनाव निशान उनका, क्या उसका उन्होंने क्लेम किया है, क्योंकि उनके पास नंबर गेम ज्यादा है तो ऐसे में उनको वो मिलना चाहिए? वो कानून में कैसा रहता है वो देखेंगे, क्योंकि वो सभी अधिकार है जो पक्ष प्रमुख है इसके ही होंगे, इसके ही रहते हैं, इसलिए देखूंगा बाद में। ये जो सर एक आखिरी सवाल, ये जो आपको लेटर मिला है, क्या सारे सिग्नेचर ओके हैं कि आप उसकी भी जांच करेंगे? आखिरी सवाल। हाँ, लेटर में तो अपक्ष है ना, तो जांच तो करूंगा, और देखने के बाद कुछ डाउट लगा तो मैं जो कानून में है सामने लाना है नहीं लाना है इसके वास्ते करेंगे। नरहरी जिरवाल, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो ये पत्र मिला है उसकी जांच करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। कैमरामैन रंजीत के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।